नमस्कार सर। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लगातार कह रहे हैं कि डर का माहौल है, नफरत फैल रही है, डर का माहौल है। आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, वहां पर सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मानी जाती हैं, उनके घर की बिजली काट दी गई है, वो अंधेरे में रह रही हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक 19 साल के आदिवासी लड़के का छत्तीसगढ़ पुलिस एनकाउंटर करती है, तो डर का माहौल भी आपको दिख रहा है। और क्योंकि इस यात्रा से आप कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी, पत्रकार, वकील, जो 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 भी सेक्शन डरा हुआ है उसके आप दिल की उसकी मन की नफ उसको डर को आप कम करना चाहते हैं, तो सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं वो डर में वहां अंधेरे में बैठी हुई हैं, तो वहां आपकी सरकार है। बाकी अगर आपकी सरकार सेंटर में आ गई तो फिर वही जो छत्तीसगढ़ मेरा क्या वही होगा? नहीं, सबसे पहली बात यह है, देखने की बात है कि ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है ये आप नरेंद्र मोदी जी के सामने रख सकते हैं क्या? सबसे पहली बात यह है, कहां रखे हैं आपने? नहीं, कवरेज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरेज करना में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पे कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे? सबसे पहली बात यह है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक जात के व्यक्ति को दूसरे जात के व्यक्ति की हत्या करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए? कभी नहीं कहा है, हिस्ट्री में कभी नहीं कहा है। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि जो वहां पर डर का माहौल है उसके बारे में आपने हमें बताया है, हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहां पे हम उसको उसके बारे में बोल सकते हैं मैं बोलूंगा, ठीक है। और अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं पर्सनली जाके उसको देख के उसमें मेरी जो राय होगी मैं रखूंगा, ठीक है। मगर मेन बात यह है कि जो देश में आज नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा की जा रही है, वो छत्तीसगढ़ सरकार एज अ पॉलिसी नहीं कर रही है। वहां पे इश्यूज हैं, वहां पे लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं और वहां पे हां टेंशन है, मगर हमारी पॉलिसी वो नहीं है। यात्रा के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पर्सनली वहां जाऊंगा और पर्सनली इस बात को समझने की कोशिश करूंगा, अगर वहां पे कोई कमी है तो उसको मैं सुधारूंगा।